हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गुजराती साड़ी पहनना, वो भी बिल्कुल दो अलग अलग स्टाइल से। तो साड़ी वैसे ही पहननी है जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूं। थोड़ा साइड से साड़ी को टक करेंगे, उसके बाद एक पूरा राउंड लेंगे और फिर बारी आ जाएगी सामने की प्लीट्स की। तो जहां तक हमें साड़ी का बॉर्डर नज़र आएगा ना, जहां से आंचल का बॉर्डर शुरू होता है, वहां हम थोड़ा सा एक बार टक कर लेंगे और उसके बाद सामने की प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अब हमने प्लीट्स बना ली है, उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा दिखे, मैं अच्छी तरह से उसे सेट कर रही हूँ ताकि वो एक बराबर से हो जाए। और उसके बाद हम उसका राइट की तरफ फेस करते हुए, यानी कि हमेशा हम साड़ी जब पहनते हैं तो सामने की प्लीट्स को हम लेफ्ट की तरफ रखते हैं, पर गुजराती साड़ी में जो प्लीट्स होती है सामने की, उसे राइट की तरफ फेस करके आपको रखना है। तो इस तरह से अपने पेटीकोट के अंदर उसको टक करेंगे और फिर पिन की हेल्प से अपने पेटीकोट को साथ लेते हुए उसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। और अब हम अपने आंचल का पल्लू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से पल्लू बना रही हूँ। आप भी थोड़ा सा कम चौड़ा रख के ही अगर पल्लू बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल बहुत ही कम चौड़ा जो पल्लू है ना, उसी का फैशन है। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से अपनी फिंगर की हेल्प से उसे सेट कर रही हूँ। इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पर क्लचर लगा रही हूँ। अगर आपके पास साड़ी के लिए जो स्पेशली पेग्स वगैरह आते हैं वो है तो आप उसकी हेल्प लें। ज़्यादा पिन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अननेसेसरीली ज़्यादा साड़ी में होल्स करने से वो खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से साड़ी का पल्लू जो है आंचल, उसे सेट कर लें। अब आप अपने पल्लू को पीछे की तरफ से घुमाते हुए अपने राइट शोल्डर पे रख लीजिए और आपका पल्लू सामने की तरफ आपके नी के बराबर होना चाहिए। तो उसे अपने राइट शोल्डर पे रखते हुए पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के साथ इसे सिक्योर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में आपकी ये साड़ी कमर के पास से थोड़ी सी इस तरह से लूज होनी चाहिए। और अब अपने पल्लू के इस हिस्से को आपको ले जाना है खींच करके पीछे की तरफ। इस तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए या तो आप इसे अपने पेटीकोट के अंदर टक कर लीजिए, और अगर इस तरह का बॉर्डर है जरी वाला, गोटा पट्टी वाला, तो आपको इसे टक करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, पीछे की तरफ से जो आपका गोटा है वो नज़र नहीं आ रहा है पल्लू का, तो उसे थोड़ा सा खींच करके बाहर की तरफ निकाल लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने गुजराती साड़ी पहनी है डांडिया या फिर गरबा करने के लिए, तो आपको शायद कंफर्टेबल फील ना हो क्योंकि साइड से कमर नज़र आ रही है, तो आप इन दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़ कर यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं। और अब हम पहनेंगे गुजराती साड़ी इन राजरानी स्टाइल। तो आपने अपने पल्लू को पीछे की तरफ ले जा करके जहाँ पर पिन लगाया था वहाँ से खोल करके आपको अपने आंचल को इस तरह से कॉर्नर पकड़ते हुए, जिस तरह से मैं यहाँ दिखा रही हूँ उस तरह से साड़ी का बिल्कुल कॉर्नर पकड़ते हुए आपको यहाँ पर प्लीट्स बना लेनी है। प्लीट्स आप वैसे ही बनाएगा जैसे कि आपके साइड के जो दोनों बॉर्डर है वो एक साथ जॉइन हो जाए और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो इस तरह से पिन लगाने के बाद आप उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर ले जाकर पिन की हेल्प से सिक्योर कर लें। और फ्रेंड्स, सामने से ये साड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बिल्कुल वी शेप बन जाएगा। नेक के पास जो आपका चौड़ा जो गोटा पट्टी है वो भी वी जैसे बनेगी, और साइड में जो आंचल का बॉर्डर है वो भी बहुत खूबसूरती से वी की स्टाइल में आपको दिखेगा। तो नेक के पास वाला जो वी बना हुआ है वहाँ पर आप पिन लगा करके उसे अच्छे से सेट कर लें ताकि इसे बार बार आपको ठीक ना करना पड़े। और इस तरह से अगर आप गुजराती साड़ी पहनते हो तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आप इस तरह की साड़ी में सर ढकना चाहते हो, सर पे पल्लू लेना चाहते हो, तो भी बहुत ही आसानी से आप इसे ले सकते हो। पीछे की तरफ से अपने आंचल को खींचते हुए जूड़े के पास ले जाइए और वहाँ पर क्लिप लगा कर आप इसे सेट कर लीजिए।
और फ्रेंड्स इस तरह साड़ी पहनने के बाद भी अगर आप साइड में इस तरह से पिन लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो।